बिल्हा सीट के प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा की और चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को धोखा दिया। कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर कोई भी बैंक कर्ज माफ नहीं कर रही है। कर्ज माफी की घोषणा चुनावी है, जनता सरकार को इस पर सबक सिखाएगी। देखिए, पिछले बार धोखा हमारे किसान खा गए कि जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा किया कर्जा का माफी की बात अभी फिर आया है उनका, और क्या बोला है उन्होंने कि पिछले साल जैसे कर्जा माफ, मतलब आपके दीर्घकालीन कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, उनके बयान से स्पष्ट है। आपके मध्यकालीन कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, आपके कोऑपरेटिव नागरिक बैंक छोड़ के कोई कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने धोखा देने का काम किया है जनता समझ चुकी है, और सरकार के ये बहकावे में आने वाली इस बार